कृष्णा, केम छो? तो आज सवरना, आज सुबह सबसे पहले मैं है ना लगाने वाली हूँ सोफा के कवर। तो ये देखिए, सोफा को मैंने वॉश तो कर लिया था, मतलब क्लीन कर दिया था, लेकिन सोचा कि अभी कवर लगा देते हैं तो गंदा नहीं होगा। पूरा दिन सोफा के ऊपर बच्चे तो खेलते ही रहते, कितना भी समझाओ। तो गाइस, सोफा को कवर लगा दिए हैं, तो देखिए कितना मस्त से पूरा लुक आ रहा है। और ये देखिए, सोनू आ भी गया। सोनू क्या चेक कर रहा है, सही से लगाए हैं क्या? सोनू पूरा खराब कर देता है ऊपर बैठकर। अभी कितना मस्त लग रहा है, लेकिन सभी बैठेंगे बाद में। सो गाइस, अभी मैंने स्टार्ट किया है टॉप का वीडियो बनाना। ये देखिए, ये मेरा पूरा सेटअप। और ये मैंने ब्लाउज को कल आपको दिखाया था ना, तो ब्लाउज को कट कर लिया है। और ये मैंने बैक साइड से हिस्से इस तरीके के कट किए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने है ना, ये जो प्लास्टिक की बोरी होती है ना, उसका मीटर में यूज़ किया है। आप चाहें तो फोम भी यूज़ कर सकते हैं, और बुकरम का यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक बोरी तो अक्सर सभी के पास वेस्ट पड़ी ही होती है, तो मैं सारा वेस्ट मटेरियल ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। सो गाइस, ये देखिए मेरा वीडियो हो चुका है रेडी। मैंने ये ब्लाउज में से बनाया है। कभी कभी ब्लाउज की डिज़ाइन इतनी ज़्यादा सुंदर होती हैं कि उसमें से आप बहुत ही सुंदर ट्रेडिशनल बना सकते हैं बैग, इस तरीके का छोटा सा। और इस तरीके का जो छोटा बैग होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है और सभी को ये बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए, आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो? टॉप 3 वर्ल्ड में आज अभी अपलोड होने वाला है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ब्लाउज रियूज का वीडियो आपको देखना है, वहां से आपको इस बैग का वीडियो मिल जाएगा। और इसकी साइज इतनी है कि इजीली इसके अंदर फोन भी आ रहा है, और इसका बॉटम भी चौड़ा है, तो इसके अलावा आप और भी छोटी मोटी चीजें इसके अंदर रख सकते हैं, और ये एकदम हैंडी है। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। खाना तो मेरा मासी ने बना दिया है, लेकिन मुझे है ना आज सीरा खाने का मन कर रहा है, तो मैं भी बनाऊंगी सीरा। तो गाइस, मैं सूजी का सीरा बना रही हूँ। तो ये एक बाउल मैंने सूजी ली है। अब यही 3 बाउल मैं पानी ले लूंगी, आप मिल्क भी ले सकते हैं, मिल्क से बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। ये देखिए, मानवी आ गया है, और मुझे लगा कि सोनू तो आज कहीं घूमने चला गया, लेकिन मानवी ने आकर देखा तो ये यहाँ पर रूम में अंदर मस्त सो रहा था सोनू तो। पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो सूजी है, इसके अंदर मैं 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। ये घर का बना हुआ देसी घी है, गाय का, आप जो भी खाते हैं वो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसे अच्छे से हम सुनहरा होने तक सेक लेंगे। मैंने गैस की फ्लेम है ना मीडियम रखी है, और ये देखिए सूजी मस्त से फूलने लगी है। इसे फटाफट चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये जल भी सकती है। और ये देखिए, पानी तो मेरा बॉयल हो चुका है, इसे मैं बंद कर दूंगी। वैसे तो मम्मी ने है ना गेहूं को गर्म करके उसका दरदरा सा एक क्या बोलते हैं वो डाढ़ा बना के रखा है मेरे लिए। गेहूँ बहुत हेल्दी रहते हैं ना अभी खाने के लिए, तो उसी का बनाते हैं कभी कभी, लेकिन आज मुझे सूजी का सीरा खाने का मन कर रहा है। सूजी अच्छे से सिक चुकी है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है।
अब इसके अंदर है ना मैं पानी डाल दूंगी, कि इसकी फ्लेम मैंने एकदम स्लो कर दी है अभी। पानी को, सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है इसने। अब इसके अंदर मैं शक्कर डाल दूंगी। शक्कर भी हमें वही बाउल लेना है जिस बाउल से मैंने सूजी ली थी। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए हिला लूंगी। ये थोड़ा सा लूज है ना, वो टाइट हो जाएगा। और ये देखिए एकदम से जो ये पैन है इसे छोड़ देगा। अब ये अच्छे से पक गया है। आप चाहें तो फ्रेग्रेंस के लिए, मतलब अच्छी खुशबू के लिए इसके अंदर इलायची डाल सकते हैं या फिर जामफल। गुजराती में हम लोग जामफल कहते हैं, हम क्या कहते हैं ये नहीं बताए मुझे, तो मैं वो डाल रही हूँ इसके अंदर। सो गाइस देखिए ये मेरा सीरा खाने के लिए एकदम है रेडी। आप इसके ऊपर जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं, और आपको पसंद है तो चलिए फटाफट से आ जाइए। दोस्तों जब हम नए कपड़े लेते हैं ना, तब उसके अंदर इस तरीके का फोम सीट आती है। तो आपके पास अगर फोम नहीं है और आप छोटी मोटी कोई चीजें बनाना चाहते हैं तो इसका यूज करके आप बना सकते हैं। देखिए अभी मैं एक वीडियो बना रही हूँ। ये मैंने एक ड्रेस मटेरियल खरीदा था, उसके अंदर आया था इस तरीके का। तो ये देखिए बाहर मैंने इस साइड का फैब्रिक यूज किया है, और ये देखिए ये अस्तर के लिए। तो इस तरीके से ये पैक हो जाएगा अंदर, और ये एकदम रबर सीट की तरह दिखता है और बहुत मस्त फिनिशिंग के साथ इसके साथ बनता है। पर आपको थोड़ी केयरफुली इसे स्टिच करना पड़ेगा, नहीं तो ये फट जाता है। तो लेकिन बहुत अच्छे से बन तो जाता है। तो अभी मैं बना रही हूँ टॉप का वीडियो, और मैं यूज़ कर रही हूँ इस फॉर्म का, और बहुत ही प्यारा DIY है। बन जाएगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी। सो गाइस ये देखिए मेरा वीडियो बनकर है रेडी। मैंने एक छोटा सा पर्स बनाया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा बना है। क्या लेकर आया मानवीर? मानवीर आइसक्रीम ही लेकर आया है। ये दो अलग अलग क्यों है मानवीर? आपकी कौन सी है? ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, ये रोज मुझे चाय पिलाती है ना, तो मैंने सोचा आज मैं इसको सरप्राइज दूं, तो मैं बिना मांगे आइसक्रीम ले आया। वो कभी कभी वीडियो में बोलती है ना कि मेरे लिए कुछ नहीं लाते है, कुछ नहीं लाते, आज लाया। तो दोनों में से कौन सी खाऊं? कोई भी, तुम्हारी मर्जी। खा लूंगी। हाँ चलेगा, हमारे पास और भी है। Never really know just what you want. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. Friends, ice cream मिली तो आइसक्रीम तो मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट है कि उसकी खुशी में मैं आपको बैग बताना ही भूल गई। तो ये देखिए ये मैंने जो बैग बनाया है ना वो इस तरीके का है। मैंने दो रेक्टेंगल पीस लिए थे, और ये ऊपर से थोड़ा सा ऐसे 1 इंच का मैंने क्रॉस दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जिप ऐड की, और बाद में यहाँ पर की, और हैंगर लगाए उसके ऊपर मैंने लेस अटैच कर ली दोनों साइड। ये साड़ी की जो पुरानी साड़ियां होती है उसके ऊपर से हम लेस निकालते हैं ना, वही साड़ी की लेस है। तो ये देखिए इस तरीके से, फिर यहाँ पर तीनों साइड से रॉन्ग साइड से अटैच करके इसे सीधा कर दिया। ये वाली जिप ओपन करके हमें सीधा करना है। तो देखिए
कितना एकदम इजी है बनाने में और देखने में कितना प्यारा लग रहा है। और इसका साइज एकदम परफेक्ट है। इस तरीके का जो छोटा पर्स होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। और इसमें हमने दो पॉकेट बनाए हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। अभी हो गया है खाना बनाने का टाइम, तो मम्मी ने खिचड़ी तो बना दी है, मुझे रोटली बना रही है, तो मैं जा रही हूँ अभी किचन में। जब भी सोनू को लगती है भूख तो बोल रहा है खाना दो। अरे मस्त बैठ जाएगा, बैठ के खाएगा। गाइस अभी देखिए पूरे रूम की हालत क्या करके रखी है। मानवीर अभी होमवर्क कर रहा है, हमने खाना खा लिया है और वॉकिंग भी कर कर आ गए। पहले वीडियो ख़त्म किया तभी खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। तो अब मैं ये सब कुछ साफ करूँगी और मानवीर का होमवर्क फिनिश कराऊँगी, उसके बाद हम लोग सोएंगे। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।